अपनी गाड़ी मालो डल चुके हैं भाई, क्या ही लग रहे हैं ना, तुम देख लो एक बार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हालचाल है। अब मैं गाय की रोटी ले लिया मैंने, ये गाड़ी खड़ी है अपनी, तीनों देख रहा हूँ। पहले मैं कह यार धोई है ना धोई है, क्योंकि कल वॉश ना करके गया था भाई, कोई सी भी गाड़ी साफ ना थी, सारी की सारी गंदी थी। आज पहले चेक करिए कि हाँ ठीक है यार। अपनी हबीबी में मुझे ये बड़े बुरे लग रहे हैं, ये क्या अंदर से जो इसका कलर छूटा पड़ा है ना, ये ड्रम का, इसका ये कलर चेंज करवा के लाएंगे, आज ही करवा के लाएंगे इसे अपनी स्विफ्ट के। ये मैं डाल देता हूँ नीचे। और भाई मैं जा रहा हूँ आज जिम, थार को लेके जाएंगे, क्योंकि अपना सारा सामान इसके अंदर ही पड़ा है, बैग पड़ा है ना, यू पड़ा। आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी जो वीडियो है वो अपलोड होगी, मतलब अपलोड होगी 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, लेकिन जो उसके बाद प्रोसेसिंग हो है, जो वेटिंग दिखावा है भाई, वो नू लगा लो कम से कम या तो 2 से 2.5 घंटे में हुई है। मैं ऐसा करे करूँ रात नहीं करके काम अपना, मतलब व्लॉग वगैरह एडिट करके और अपलोड करके सो जाया करूँ, सुबह की कोई भड़क ही ना रखे करूँ। आज सुबह डालना पड़ा तो आज ही भड़क होगी भाई, मैं लगा लो 2 घंटे तक मैं वेट करता रहा, मैं कि यार जिम चला जाऊंगा जल्दी हो जा, पर हुई ना। मैं चलो कोई बात ना, अब टाइम लगेगा जो लगेगा। मनीष के पास फोन करके पूछा मैंने, भाई यो वेटिंग दिखा रही है, एक बार मैंने अपलोड कर दी डिलीट कर दी, मैं क्या अभी कोई दिक्कत आ रही हो। दोबारा मैंने करी, फिर उसमें मनीष से पूछी मैंने, तो उन्होंने कह रहा है कि आधा 1 घंटा तो कम से कम लगेगा, 1 घंटा छोड़ दे इसने, मतलब अपना आप हो जाएगी अपलोड। मैंने चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यूट्यूब वालों को तसल्ली नहीं हुई और मेरी जो वीडियो है ना उस पर येलो डॉलर मार दिया शुरू में। अब टाइम होगा था भाई, मेरा जो टाइमिंग रहेगा जिस टाइम मैं डाले करूँ व्लॉग वो पूरी हो चुकी थी, मैं कब क्या ही कहूँ, मैं छोड़ो डाल दे, मैंने पब्लिश करी थी। फिर कोई बात ना, येलो डॉलर लगा तो लगा भाई, पता है क्या है, उस तो थोड़ी रीच कम हो जावे, पर तुम शेयर मार दो दबा के इस वाली वीडियो ने ना, तो रीच अपना आप सेट हो जाएगी। मेरी गाड़ी में गाय की रोटी होगी 2, ठीक है, और गाय बैठी ये, तो मैं एक बार जाकर दियाता हूँ, कभी फिर वही है, याद रहे ना रहे। ओ गौ माता की। जिम पहुंच चुके हैं और भाई हमारी स्विफ्ट की चाबी भी जिम पड़ी है, मतलब थार में ही पड़ी है। मैं एक बार अभी पहले जिम हो, फिर मैं घर तार कर रखूँ, क्योंकि खूगी ना फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका सेंसर वेंसर सब कुछ चेंज है। वो भाई गाड़ी तो ये भी बढ़िया लग रही है यार, खड़ी और देखना, अलो अच्छे लग रहे हैं ना इसके, मैंने डलवा के देखे, जब मेरी में तो अच्छे ना लग रहे थे यार। रात ना ये खुली खुली ड्रेस पहन के सोन में अलग ही मजा आवे। यार एक फायदा और है, अगर तुम्हें सुबह जिम जाना है तो भाई यो खड़ी थार, ओ भाई थार दिखाऊं तो मैं, गाइस अभी दिखाता हूं, रुको। अपनी गाड़ी मालो डल चुके हैं भाई, क्या ही लग रहे हैं ना, तुम देख लो एक बार, ठीक है, मैं तो बढ़िया लग रहे हैं, तुम कमेंट करके बता दो कि कैसे लग रहे हैं। लेकिन तुम्हें एक चीज और बता दूं मैं, यो अपनी गाड़ी नहीं है, यो है अपनी, ठीक है, ये अपनी है, ये हमारी सोसाइटी में खड़ी है, पर यही अलॉय डलवाने के लिए मैं कह रहा था, यो भी टेम्परेरी नंबर है, पर भाई क्या ही जबर लग रही है। इस तरह भी ऊंचा डलवाऊंगा मैं, इस तरह ये जो मतलब ये शायद है 20 इंची है या 22 इंची है, मैं डलवाऊंगा 26 इंची अपनी में, अपनी गाड़ी यो है भाई, ठीक है। अभी बेचारी शरीफ सी है, देख लो, आया था अभी जिम में था घर, तो इसे बंद कर देता हूँ और ऊपर चलता हूँ नहा के, फिर मिलता हूँ तुमसे। कपड़ों की मैं कह रहा था कि ऐसे ही ये जो कपड़े हैं इनने पहन के सो जाओ, सुबह उठो अगर जिम जाना है तो इन्हीं कपड़ों में चले जाओ, चेंज वेंज करने की कोई झंझट ही ना। आई एम रेडी गाइस, ये देख लो भाई व्यू, देख लो तुम यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ये देखना यार क्या मस्त लग रहा है ना, मतलब ऐसा जी कर रहा है यहाँ बैठा रहा। मैं यहाँ बैठा था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर गरम गरम हवा से चली ना, तो मैं छोड़ो अपना अंदर चलते है। हाँ जी मम्मी जी सुनाइए, क्या हाल चाल, क्या बना रहे हो, चाय पी लूं क्या मैं अभी, देखना भाई मम्मी की चाय है आपके लिए ना बचेगी फिर मत बचन तो मैं पीता ही ना भाई, मैं चाय पिए मैंने ये लगा लो, तुम कम से कम बिना तो कितने साल हो गए मम्मी। हाँ बस एक ही हुई तो कम रहेगा, ये नहीं कम, फिर भी अंदाजा 2 साल हो गए होंगे, कोरोना में तो पी थी भाई ना, कोरोना वालों ना मैं बिना पी मैंने, मैं चाय तुम लगा लो छोड़ रखे, क्योंकि मेरे तो जब मैं छोटा सा था ना बचपन में, मेरे तो ये सिखाई गई है कि जो चाय पीता है वो काला होता है, मुझे काला होना नहीं है है ना मम्मी, मैं तो गलत ज्ञान दिया मम्मी आपने, वरना मैं आज चाय पीता, आप तो ना हो रहे काले कहीं चलो मैं जा रहा हूँ बेटी, है पटियाला वेट कर रहा है यार मेरा। थार मैंने घर खड़ी कर दी है, मैं ले आया हूँ स्विफ्ट, मैं कह यार बहुत दिन हो गए, मतलब 2-3 दिन हो गए मैंने चलाई ना है, तो आज चला लेते हैं। एक चीज बताऊं तुम्हें, इस गाड़ी में बैठ के जो चलाने में कंफर्ट है ना भाई, मतलब मुझे ऐसा लगा है कि बस इसी में चलता रहूं। मनीष भी नू कह रहा है कि मैं थार ना स्विफ्ट लेकर जा रहा हूं, क्योंकि उसकी सीट पर थोड़ा सा बैठने के बाद रिलैक्स लगा है, जो ये वाली सीट है ना यो जिस पर मैं बैठा हूं, इसमें थोड़ा सा फील अच्छा आता है। और भाई मैं भी कमेंट पढ़ रहा था अपनी वीडियो के, तो उसमें भाई ने कह रखी कई ने कि जतिन भाई ये वाले तो कॉमन है, बहुत लोग ने डलवा रखे हैं, कुछ अलग सा करो, तो भाई अलग सा इसमें ट्रैक्टर के डलवा दूं क्या, पर कह भी सही रहे हैं, अगर भाई कुछ अलग करूंगा तो लो भाई पटियाला आ लिया, पटियाला पूछेंगे कैसा क्या डलवाना चाहिए, आओ पटियाला सेठ, पटियाला वे जो अलॉय दिखाए थे ना सबनु कह रहे हैं कि वे कॉमन से हैं, सबके पास है, मतलब सब डलवा रहे हैं आजकल, वही वही जो तू बता रहा था जो, हाँ तो भाई बढ़िया ही वो लगेंगे, तो अनु कह रहे कुछ अलग सा करो ना जतिन भाई थार में,
अलग सा के वे लगवा दे, चांद तार लगवा दे, चांद तार है ना, एक काम करते हैं वो बस के वे लगवा देते हैं रिम बस वाले रिम लगवा देते हैं, ड्रम वाले लगवा दे यार वाले। देखेंगे मैं सोच रहा हूँ जो ऑफ रोडिंग में होगा ना इतने मतलब जो पूरा का पूरा ड्रम ही रहे ना वो हाँ फिर ड्रम वाले देखेंगे ऑफ रोडिंग में ड्रम वाले थोड़े हैं उसमें कुछ डिजाइन देखेंगे फिर डलवाते हैं, मैं बता दूंगा तो मैं डलवाऊंगा जब। वैसे यो जो गाड़ी दिखाई है ना तुम आर पार लग रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों ने देखी आज सोसाइटी में खड़ी थी वही वाली गाड़ी, मतलब वही वाले अलॉय थार लग थार में लग के थार मेरी वाली में। अच्छा हाँ भाई जेन्युइन लग रही थी गाड़ी, मतलब मैं ऐसे बात करता उड़ जा रहा था इनते इतने में मैंने गाड़ी देखी, मैं कहा तुम अभी गाड़ी दिखाता हूँ। हाँ बढ़िया लग रहे थे भाई, मैंने खुद देखे, पर देखेंगे अगर कोई उससे भी बेस्ट ऑप्शन आया तो वो डलवा लेंगे। यहाँ पहुँचने से पहले देख कैसे कंधे पर लिए डोल रहा, जैसे तो चला ही लेगा, तेरा सजा होगी की होगी चलेगे फिर। अरे इसका मन ही लग रहा है, तू चल रहा है तेरा मन है तो अपने गाड़ी में बैठ रहे चुपचाप, जिसका मन नहीं है उसे रहने दे। डलवाली बात कर रहा है ऑफ कैमरा खरीदते थे चल रहे भाई, पंडा का फोन आया, पंडा का वहाँ ना एक मार्केट है जिसमें हम जाए करें तो वहाँ कुछ खा पी लेंगे, नुकर आ जाओ भाई, तो मैं कहा चलो यार चल देते हैं पटियाला ही जेल सीन पकड़ खड़ा है। तू किसी के चक्कर में मत रह, नहीं तेरा सजा हो जाएगी भाई। हमने चल आ जा चलो बैठ गाड़ी में, फिर चक्कर में पड़ रहा है, चल रहे तेरे चक्कर में पड़ रहा है तेरे में, भाई राम राम नो करा भाई कैसे के उलट फेर कर दिया जो इतनी इज्जत दे रहे हो मेरे, आज इससे इज्जत से ही बात करेंगे, देखे इसके हजम हो रहे हैं। आप लगाना है आप, बिना आपके बात नहीं करनी भैया आप, तू भी तू यू मतलब यू मतलब मैं हाँ। मैं तो मैंने बात करी यार, दो भी करी थी ना यार, मैं तो बड़ा भाई है, मेरा तो बड़ा भाई है भाई, मैं तो इज्जत से बात करता हूँ सब, तो मैं तेरे से भी यार इज्जत से बात करूँ। अरे तो आप ही कहियो आज, आप भैया आप आ जाओ खाना खा लो ऐसे है ऐसे कैसे जी भैया जी, आज के खाने का मन कर रहा है अभी देखते हैं, जैसे की देखेंगे भैया क्या लेंगे वो देखेंगे ना उस हिसाब से, भैया तो वो लेगा जूस, भैया तो हाई लेकर आएगा भैया सुनिए तो एक बात है, उसके काम के बारे मत कह करे यार भाई, हम क्यों हम कुछ गलत थोड़ी है ना, तो तेरा हाई लेकर आएगा उसे तो लेके भी आता हो कि मेरा किसी किसी की भाई यार, एक मान ले सुने एक बात उतार दे वो। अब तो एक बात होता भाई, मैंने गाड़ी दी तो देख कर ली उनने की भाई हाँ पुरानी गाड़ी ठीक है, यो ठीक कमी यो कमी है, यो सही है, यो की है, जो भी था एक्स वाई जेड उनने देख के ली। अब मेरे तो फोन करके कह रहा अरे भाई इसके हेडरेस्ट कहाँ है, भाई मुझे क्या पता वो ना भैया कहाँ है, भाई तेने जब गाड़ी ली है प्रॉपर उस चीज के पैसे दिए, हेडरेस्ट के थोड़ी दिए, अरे नहीं तो मेरा मन बताऊं सब बताऊं क्या कर रहा था उसमें, तो सारे मैट निकाल लूं सारा सामान निकाल लूं जो जो रखा है, टायर चेंज करवा दे, टायर अभी डलवाए थे हाँ, मैं उसका जैक वैक सब कुछ मैंने टायर डलवाए नहीं 20,000 रुपया के, मैंने सोची थी मैं निकाल के यार वैसे लगा दूं, पर मैं चल छोड़ पंडा की बेइज्जती ना हो, पंडा मारी खाल तार ने तैयार रहे। अरे देख बेटा देख रहा है इतना समझदार है, जब निकल जावे ना कोई प्रॉपर तरीके से जब आग लावे, घुमा दे एंड ब्रेक बड़ी छोटी गाड़ी है। अच्छा ही गोटा है यार, वो कहाँ गई तेरी वाली, लगाएगा तेरी वाली कहाँ गई, गिफ्ट दे दी मैंने अपने भाई को जुबान रखी हो, जुबान रख इस पे, इस पे ना रखी जाएगी बहुत बढ़िया, ये दी उड़े इस पे इसकी मत करे, इसकी तो अनमोल रतन की वजह से लिए उनने ऐसी अच्छा अच्छा जी कह रहे, एक को शाम होने के बाद कुछ सूझता नहीं, एक को पूरे दिन कुछ पूछता नहीं सुन पंडा यार बात पंडा मजा आए ना आए चलान में सच होती हो, मुझे इतने देर लगा मैं कहाँ जा रहा हूँ इतना मजा आया मालिक के पास, अपना मालिक के पास स्टीयरिंग है जैसे लगा ले 100 रुपये का भी नहीं, अच्छा ही चला के देख ना, मैं तो चला रखी भाई आवाज आ रहा है रुर रुर की, बेइज्जती कर रहा तेरी गाड़ी भाई, किसी में गया कई बार जब तेरी दिक्कत परेशानी किसी को भाई मैं भी वही देख कर आया था, ब्रांड का लगवाया लगवाया ना, किसने लगवाया, अरे आर्मरेस्ट तो बाहर का है, अरे कहाँ का आर्मरेस्ट है भाई, इसे बेच सकते निकाल के फेंक दे, देख हट जाएगा आर्मरेस्ट ना है गत्ता है भाई, मैंने देखा मैं यार यू कैसे
अच्छा यो ऐसे है नकली। ओ यार ली कार्ड लाया यार बहुत प्यारी लगे ये लिया ये सामान होएगा हां ओ तेने सुन 8000 दी 8000 की एंबिएंट लाइट भी था इसमें का है अच्छा ही इसी में रख रखा है अरे वो वाली है कौन सी जो अंदर लगा के एकदम कुछ चल ओहो देखा इच्छा सही है चाचा वो ये चस्की भाई रे भाई साहब क्या चीज सुन भाई मजा बन जाएगा रात ने तो ये मतलब वैसी है एक छोटी सी ये वाली अच्छा इसने यहाँ रख दी उतार के इसने उतार के रख दी अपनी उसमें लगा ले स्विफ्ट में इसने यो गाड़ा बंद कर लेना कॉपीराइट आ जाएगा चाहता नहीं है कमाई हो ना मारे जान का रख तेरा अच्छा गाड़ी दी थी उसको थोड़ी देख कितने खुददार है देख रहा है पंडा देख ले सुन देख ले छोरी तक कुछ सीख ले ले भाई छोरी आई एक छोटी सी इतनी छोरी थी गुब्बारे ले रही पंडा ने 10 रुपए दे दिए बेटा 10 रुपए ले जा दो गुब्बारे दे के गई है देख रहा पंडा खुददार है भाई खुददार भी यार भाई यही होना चाहिए आजकल के बालकों में ऐसे बालक होने चाहिए भाई अभी हम डोसा निपटा रहे हैं पंडा ने तो निपटा दिया आधे ज्यादा और पटियाला तो खाया ही ना जा रहा मैं और खा लेता हूँ लिया अपना किट कैट शेक और पटियाला ने लिया कोल्ड कॉफी पटियाला तेरा मन ना लगे क्या बिना कोल्ड कॉफी के क्या चाहिए ही चाहिए कोल्ड कॉफी बढ़िया पूरी जिंदगी में कोल्ड कॉफी कितनी पी रखी हुई तेने नहीं पता 6-7 ड्रम पी लिया होंगे अच्छा खड़े हैं अब ये आइसक्रीम लेंगे यस मैन चलो आइसक्रीम ले आओ भाई हमारी भी ले देखो इन्हें ये लेकर आवे ना लेकर आवे अभी पता चल जाएगी यार दोस्ती है पटियाला अगर ये ना लेकर आए क्योंकि देख मैंने लिया है किटकैट से और पटियाला ने लिया इन्हें ना लिया इन्हें मना कर दी कि हम ना ले लेकिन हमने मना भी ना करी हम तो पूछी भी ना तो अब देखते हैं लेकर आएंगे या ना आए भाई लिया है ये बात भाई मेरे एक लिए एक लेकर आए मेरे लिए पटियाला तो पता नहीं के दुश्मनी है पटियाला अरे दुश्मनी ना इन्हें पता मैं ना खाऊंगा हाँ यो फिर ठीक है ये गंदी है यार तो किटकैट शेक के बाद गंदी लग रही होगी किटकैट शेक के बाद ना यो पंडा दिल तो ना लाया एक लेके चला है और वो भी गंदी लग रही है ना क्यों लग रही है यार अरे उसके बाद लग रही होगी फेंक दे फिर गंदी लग रही है तो तेरी कसम गंदी है फेंक दे केबरा एक्सपायर खा लियो हां हो सके तूने कह रहा एक्सपायर है आइसक्रीम खा दी मैंने कहा खुद एक्सपायर है तो यही तक राउंड काट गया खामो खा की भाई इनके एक तो है ना बाइक लेके जा रहे है फिर अकेला जाएगा सुन अकेला ही जाएगा पक्का माँ कसम ठीक है अकेला निकल हाँ तो मैं कह रहा हूँ धरता अगर तुम बाइक पे क्यों जा रहे हो गाड़ी ले चलो ना यो है यो मना है इस कैसे इसकी 9 बजे के बाद मना है अरे अगर लेके जानी है तो ले जाओ क्यों दुखी हो रहे हो कह रहा मैं बाइक पर अकेला जाऊंगा वो नु कह रहा मैं अकेला नहीं जान दूंगा यो गाड़ी में चल मेरे साथ कैसे करेगा अरे बैठ रहा बाइक पे मैं तो पंडा यो सोच भाई यो नु कह रहा अकेला जाऊंगा मैं कैसा दिल बनाना कह जाई मैं कह दी इसने भी जा जा अकेला फोर्स आ गई फोर्स तो आ गई पहुंच हमारे गाइस ये अपनी गाड़ी खड़ी ठीक है इसमें मैं यो इनमें देखे एक ना लेके जाएगा यो ए वो पंडा बैठा लिया ठीक है मैं संदीप निकल जाते हैं इसमें मैं इसे ऑफिस छोड़ के फिर सीधा घर निकलूंगा हां किसे विश्वास ना है तन्नू कही थी कुछ भाइयों का डाउट था कि हम पक्के दोस्त हैं नहीं है हां अगर आपने वीडियो तक देख लिया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मिलता है फिर नई वीडियो में टाटा बाय बाय।